इस वीडियो में हम बात करेंगे फोक फोक क्या होती है और वो फोक किस तरीके से बनती है और फोक के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और फोक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सबसे पहले देखते हैं जी कि फोक होती क्या है और ये बनती कैसे है उसके तरीकाकार वगैरह देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं फोक कहते है किसे हैं फोक इज़ अ क्लाउड फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड कि ये सतह जमीन के नज़दीक ही ग्राउंड के नज़दीक ही ये एक क्लाउड ही होता है क्लाउड मीन्स के बादल ये बादल ही होते हैं जो सतह ज़मीन के नज़दीक बनते हैं ठीक है फोग इज़ अ क्लाउड डैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड ये ये क्लाउड ही होते हैं जो ग्राउंड के नज़दीक बनते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर मैं पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें मैंने मॉइस्चर uh, और ह्यूमिडिटी के बारे में बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले देख लें उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उस वीडियो को जाकर वहाँ से देख सकते हैं तो आपको फिर इस वीडियो की सही समझ आएगी तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि हवा के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में होते हैं जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी वो उतने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को हवा कैरी कर सकती है मतलब के वाटर वेपर्स को कैरी कर सकती है जैसे ही हवा ठंडी होगी तो वो ज़्यादा वाटर वेपर्स को कैरी नहीं कर सकेगी तो कंडेंसेशन की वजह से वही वाटर वेपर्स दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और वो इसमें हवा में, में होंगे मतलब छोटे छोटे टाइनी टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हवा के अंदर होती हैं जो कि क्लाउड की फॉर्म बना लेते हैं ठीक है तो उसी को हम फॉग कहते हैं तो फॉग क्या होती है क्लाउड्स ही होते हैं जो ग्राउंड के नजदीक होते हैं और ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि हवा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं सस्पेंडेड मतलब लटके होते हैं आप ये कह सकते हैं तो कभी आप जब फॉग होती है तो आप देखते हैं कि जब फोग ऐसे लगता है जैसे हल्की हल्की सी बारिश हो रही होती है हकीक़त में क्या होता है हवा के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं जी वाटर वेपर्स होते हैं मीन्स के पानी होता है लेकिन वेपर्स के फॉर्म में होता है जैसे ही हवा ठंडी होती है तो वो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं जी दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और हमें हल्की हल्की बारिश दिखाई देती है मतलब पानी की बूंदें दिखाई देती हैं जो कि दरअसल फोग में हमें नज़र आता है अब ज़रूरी नहीं कि फोक ऐसे ही बने बल्कि फोक को बनने के मुख्त तरीके होते हैं देर आर दैवर वेज डेट फोक कैन फॉर्म फोक अब मुख्तु तरीक़ों से बन सकती है यहाँ पर अभी आप तस्वीर में देख सकते हैं राइट right? अब हम देखते हैं जी पहला तरीका जिससे फोक बनती है वो है जी कूलिंग ऑफ द आयर हवा के ठंडी होने से भी आ, फोक बनती है वैन द आयर कूल्स इट कैन नो लॉन्गर होल्ड एज मच मॉइस्चर तो हम जानते हैं कि हवा के अंदर मॉइस्चर होता है मतलब मॉइस्चर का मतलब ये है कि हवा के अंदर आ, पानी होता है पानी किस शक्ल में होता है वाटर वेपर्स की फार्म में होता है तो उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं तो हम जानते हैं हवा जो होती है वो आ, वाटर वेपर्स को कैरी करती है लेकिन हवा जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वो उतने कम वाटर वेपर्स कैरी करती है मींस कि उसकी मॉइस्चर जो है मॉइस्चर की जो एबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे ही आयर कूल होती है तो मॉइस्चर उतनी कम हवा में होल्ड होती है तो एज द आयर कूल्स और जैसे ही हवा ठंडी होती है द मॉइस्चर कंडेसेंसिस मतलब कि मॉइस्चर जो है कंडेंसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है कंडेंसीज में क्या होता है वही वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में तो वही ड्रॉपलेट्स फिर आगे से क्या बना देते हैं हल्के हल्के से क्लाउड्स बना देते हैं जिसको हम कहते हैं फोग तो सन लफ्जो में कहीं तो कूलिंग ऑफ द आयर में क्या होता है जैसे ही हवा ठंडी होती है तो गर्म हवा क्योंकि वाटर वेपर्स को कैरी करके रखती है जैसे वो हवा ठंडी होती है तो वो क्या बन जाती है जो वही दोबारा से वाटर वेपर्स जो हवा में होते हैं वो कंडेंसिस की वजह से दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं मतलब के पानी के कतरे बन जाते हैं और वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिस वजह से हमें वो फूक दिखाई देती है तो दिस इज़ ऑफन सीन इन द अर्ली मॉर्निंग आर्स इसको अक्सर सुबह के घंटों में आप देख सकते हैं मतलब सुबह के टाइम आप देख सकते हैं वेन द आयर इज़ कूल एंड द ग्राउंड इज़ वार्म जब हवा ठंडी होती है और ग्राउंड जो होता है वो गर्म होता है फ्रॉम द प्रीवियस डेज सन लाइट क्योंकि पिछले दिन के सूरज की वजह से ये पहला तरीका था कि कूलिंग ऑफ द आयर की वजह से भी फोग क्रिएट हो सकती है नेक्स्ट वन है जी एडवेक्शन फोग अब एडवेक्शन फोग क्या होती है इस तरह की फोग तब बनती है जब वाम मतलब कि गर्म मोस्टर मोइच्चराय का पता है आपको मोस्ट आयर जो होती है मोस्ट आयर मतलब कि जिसमें पानी होता है ठीक है मतलब के हवा के अंदर ये याद रखिएगा वाटर वेपर्स होते ही होते हैं तो मोस्ट आय मतलब कि जिसमें जिस हवा में पानी होगा मतलब के वाटर वेपर्स की फॉर्म में मूव्स ओवर आ कोल्ड सरफेस सच एज अ कोल्ड ओशन और अ कोल्ड लेक जब मोस्ट आयर जो है ना वो कोल्ड सरफेस पर मूव करेगी मतलब कि ठंडे पानी के ऊपर मोस्ट आयर जब उसके ऊपर चलती है गर्म मोस्ट आयर ठीक है वार्म मोस्ट आयर जो है वो जब ठंडे पानी के ऊपर से चलती है तो तब भी फोक बन जाती है तो एज द वार्म आयर कूल्स जैसे ही वो गर्म हवा ठंडी होती है क्योंकि नीचे के पानी ठंडा होगा द मोस्चर कंडेंसिस एंड फॉर्म्स फोग और वो जो मोस्चर है जो हवा गर्म हवा में पानी के वेपर्स हैं तो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंसिस होंगे और दोबारा से वो वाटर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे जो कि की वजह बनेगी फोक की तो वहाँ पर फोक बन जाएगी ये दूसरा तरीका था एडवेक्शन फोक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राइट अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी नेक्स्ट से क्या कौन सा है अप स्लोप फोग अप स्लोप फोग में क्या होता है कि इसमें नीचे से हवा जो है ना ये अपवर्ड मूव करती है मतलब कि माउंटेंस की तरफ कह सकते हैं आप में। तो दिस टाइप ऑफ द फॉर्म्स व्हेन द मोस्ट आयर मोस्ट आयर मतलब जिसमें हवा होगी सॉरी मोस्ट आयर मीन्स कि जिसमें पानी होगा ठीक है वाटर वेपर्स के फॉर्म में इज़ फोर्स्ड टू राइज अप राइज अप आ स्लोप सच एज आ माउंटेन के वो मोस्ट आयर जो है वार्म आयर वो कब किस तरफ को आप वर्ड मूव करें किसी स्लोप की तरफ मींस के माउंटेंस वगैरह की तरफ मूव करें एज द आयर राइजिस जैसे ही हवा ऊपर की तरफ उठेगी इट कूल्स वो वार्म मोस्ट आयर जो है वो ठंडी होगी और ज़ाहिर सी बात है मोस्ट वार्म आय के अंदर क्या होगा वाटर वेपर्स होंगे वो वाटर वेपर्स दोबारा से किस में कन्वर्ट होंगे कंडेंसीज की वजह से दोबारा से टाइनी ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट्स में और जिसकी वजह से क्या बन जाएगा फोग अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रंटल फोक के बारे में तो दिस टाइप ऑफ द फोक व्हेन द वार्म आयर अ कोल्ड आयर मैस जब गर्म हवा जो है ना वो ठंडी हवा के साथ जब टकराती है तो फ्रंटल फोक बनती है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वेपोरेशन फोक के बारे में दिस टाइप ऑफ द फोक फॉर्म्स व्हेन कोल्ड आय मूव्स ओवर अ वार्मर बॉडी ऑफ द वाटर जब गर्म पानी के ऊपर ठंडी हवा चलती है ठंडी हवा चलती है तो उस वजह से ये वेपोरेशन फोग बनती है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द फ जो लफज फोग है ना ये इंग्लिश के एक पुराने लफज फोगल से आया है जिसका मतलब है फोल ठीक है तो आगे हम बात करते हैं जी फोक कैन आल्सो बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड के फोक को हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं मतलब कि मननू तौर पर भी हम क्रिएट कर सकते हैं ख़ुद से के फोक अगर नहीं है तो हम ख़ुद से इसको बना सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन दटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्पेशल इफेक्ट्स ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं जिस तरह से मूवीज़ वगैरह होती हैं उसमें स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डालने के लिए हम आर्टिफिशियल फोक का यूज़ कर सकते हैं सम प्लेसिज हैव द स्पेशल टाइप ऑफ फोक कॉल्ड टूली फोक इट इज़ वेरी थिक ये बाजू का एक ऐसी किस्म की फो फो होती है जिसे हम कहते हैं टूली फोग ये काफ़ी ज़्यादा थिक मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है ये फोक लो लेइ ग्राउंड फोग होती है मतलब कि ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा होती है मतलब कि ग्राउंड पर काफ़ी नजर आती है ये दैट इज कॉमनली इन देंट्रल वैली ऑफ द कैलीफोर्निया और ये अमेरिका वाली साइड वाली और ये अमेरिका वाली साइड कैलीफोर्निया पर अक्सर देखी जाती है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फोक के बारे में कूलिंग इस फोक के जरिए ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के अंदर ना कूलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है मतलब कि अगर कोई गर्म मौसम हो तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द फोक इरिगेशन मतलब कि अगर आप खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो फोक के ज़रिए इरीगेशन वगैरह ड्राई एरियाज़ में करना आसान हो जाता है नेक्स्ट फायर फाइटिंग तो फायर फाइटिंग वगैरह के लिए भी uh, फोक का इस्तेमाल किया जा सकता है तो डस्ट सप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको फोक को स्पेशल इफेक्ट्स के लिए भी मतलब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह में स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हम ये फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ फोग के नुकसान क्या होते हैं फोक के रिड्यूस्ड विज़िबिलिटी अगर फोक की हम बात करें तो इससे विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो, मतलब हो जाती है मतलब कम हो जाती है मतलब कि आपको दिखाई देना आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता तो ड्राइवर्स पायलट्स वगैरह के लिए ड्राइविंग वगैरह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो ड्राइवर्स के लिए अक्सर ड्यू टू दैवी फोग मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर फोग हो तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उसको उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है तो इट मे लीड टू द एक्सीडेंट्स एंड द डिलेज इसकी वजह से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जीप्रप्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फो कैन ट्रांसपोर्टेशन मतलब के ट्रांसपोर्टेशन में हल वगैरह क्रिएट कर सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन में कि अगर ट्रांसपोर्टेशन जिस टाइम पर चलती है उस पर उसको डिले किया जा सकता है ड्यू टू द फोक अब फोक ज़्यादा हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइवर्स वगैरह ड्राइव नहीं करते अक्सर क्योंकि उससे क्या होता है जी कि नुकसान होने के चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह होने के अगर पायलट्स की बात करें तो फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल अक्सर कर, कर दी जाती हैं ड्यू टू फोग हेल्थ हज़र्स हेल्थ हज़र्स भी आ मतलब के हेल्थ के प्रॉब्लम सेहत के मसाइल भी आ सकते हैं ड्यू टू फोग क्योंकि फोक जो होती है वो हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है हवा में अगर पोल्यूशन होगी तो वो वाटर वेपर्स भी बीच में ही है तो जैसे ही वाटर वेपर्स द्वारा से वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे कंड कंडस की वजह से तो वो पोल्यूशन वाली पोल्यूशन जो होगी मतलब डस्ट जो होगी उसको भी वाटर वेप वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो अगर आपके बॉडी पर गिरेंगे तो मे भी अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है तो वो आपके लिए नुकसानदा हो सकते हैं मतलब कि हेल्थ भी क्रिएट हो सकती हैं ड्यू टू द अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप डैमेज तो मतलब कि जो फसलें वगैरह होती हैं उनके भी बासूका फोग नुकसानदा होती है लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी और उसके अलावा पावर आउटेज का भी नुकसान पावर आउटेज भी हो जाती है मीनस कि ये डिसएडवांटेजेस हैं फोक के लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको रीड भी कर सकते हैं के इन सम इंडस्ट्रीज सच एज द कंस्ट्रक्शन फोक कैन कॉज अ लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी बाई रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी या क्या फोक की वजह से हमें सही चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती तो वर्कर्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते वर्कर्स की वर्कर्स सेफली काम नहीं कर पाते जिस वजह से वो ठीक तरीके से अपना जो काम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होती हैं उनको भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते तो ज़ाहिर सी बात है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी फिर होती है फोक की वजह से तो हमने पढ़ा फोक क्या होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ द फोक डेट इज़ फॉर्म्ड नियर टू द ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड के नज़दीक ही एक क्लाउड की किस्म है जो बनती है ठीक है जी तो ये कब बनती है किस वजह से बनती है uh, किस तरह से ये बन सकती है हमने ये देखा तो इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कुछ को डिस्कस किया और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और को आई होप कि आपको फोक के फोक के बारे में क्लियर होगा कि आज हमने जो भी पढ़ा है अगर इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और इलम की जो यूट्यूब चैनल अगर ता, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें